छात्रों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होते हुए भी यदि शिक्षक अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर स्वयं के कार्य को प्राथमिकता दे तो आने वाले देश के भविष्य का क्या होगा। सरकार द्वारा कितनी भी योजनाएं लाई गई हो, कितनी भी धनराशि आवंटित की गई हो, यदि शिक्षक अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाते हैं तो परिणाम शून्य हो जाता है। उस शिक्षक को हर महीने वेतन मिलता है, लेकिन गरीब छात्रों का क्या, उसका भविष्य क्या है? यह सबसे बड़ा कर्तव्य का विश्वासघात है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अनुचित कुछ भी नहीं है। यह उस पवित्र गुरु के नाम पर कलंक है। माय माउली हिंदी समाचार ने मंगलवार को बेला मंडल के धोपताला गांव की प्राथमिक उच्च विद्यालय का दौरा किया। यहां काम करने वाले प्रधानाध्यापक रोज स्कूल आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वापस बेला चले जाते हैं, वहां अपना निजी व्यापार में लग जाते। मंगलवार को भी उस हेडमास्टर ने वैसा ही किया। इस प्रधानाध्यापक की राजनीतिक रूप से अच्छी प्रतिष्ठा है और अपने सामाजिक वर्ग मराठों के समर्थन से वे निडर होकर स्कूल में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है। इसके अलावा शिक्षक संघ में प्रधानाध्यापक जिला नेता होने के कारण इनके खिलाफ में कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह वीडियो उस हेडमास्टर का है जो स्कूल में हाजिरी तो लगवाए, लेकिन यहाँ यानी बेला शहर में अपना निजी काम करने का दृश्य है। सरकारी शिक्षक अपनी ड्यूटी ऐसे ही करेंगे तो क्या सरकार का लक्ष्य पूरा होगा? इस मामले पर मंडल शिक्षा अधिकारी के स्पष्टीकरण के अनुसार विद्यालय में प्रतिदिन सुबह शाम बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाई जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। हेडमास्टर राजु चोपड़ा रेदी विजिटी मे बयोमेट्रिक चूस मरी प्रजेंट पद्दन सायंत्र मरीजु एम जी अने मे क्लियर एंक्वर मैं दाने प्रकार मैं चर्क।